नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर फिजिक्स एंड मैथ्स में। माफ़ी चाहता हूँ, इस बार आने में थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन कोशिश करूँगा इस अगली बार से ऐसा नहीं होगा, टाइमली वीडियोस मिलेंगे आप सभी को। फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं आज गॉसेस लॉ पे, गॉस के नियम पे। तो एक साइंटिस्ट थे गॉस साहब, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। गॉसेस लॉ की भी बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया वेक्टर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो बेटा एरिया वेक्टर होता क्या है? तो बेटा एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश है जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर व दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश है जिसका परिमाण किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर व उसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। द एरिया वेक्टर इज द वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एन सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखते हैं, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है भाई, मान लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ एनी सरफेस, माना किसी सरफेस का एरिया ए है, देन इट्स एरिया वेक्टर विल बी, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर बेटा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप। अब एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन दिखाना। बता चुका हूं क्या होता है, डायरेक्शन दिखाना। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में एक चीज होती है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं उनका मेजर होता है, उनकी माप होती है। क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। तो अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो बेटा वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व उसके क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जैसे क्या कहा इसने, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन सरफेस इन एनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ सरफेस। तो क्या बताया भाई हमने कि भाई पृष्ठ के क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, उसके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ सरफेस। जैसे बाय द वे अगर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और सरफेस एरिया क्या है, एस है, तो बेटा एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर एस, तो ई डॉट एस ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट हमें पता है, और ई डॉट एस बेटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस कॉस थीटा। क्या? यस कॉस थीटा। और बेटा जो है जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई ई से। इसके यूनिट की अगर हम बात करें, इसका ऐसा यूनिट वोल्टमीटर होता है। क्या होता है? वोल्टमीटर होता है इसका ऐसा यूनिट। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? ML3 T-3 A-1। देखेंगे ध्यान से। हाँ बच्चे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होल इंटीग्रेशन। बाय द वे किसी क्लोज्ड सरफेस,
अगर किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करें और ds क्या है, उसका एक छोटा सा सरफेस है, कोई छोटा सरफेस एरिया है, स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, सरफेस इंटीग्रेशन, एरियल इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, ये भी फ्लक्स होता है, फ्लक्स की एक दूसरी डेफिनेशन है। बात समझ में आ रही है। फिर एक और टर्म है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है बेटा सॉलिड एंगल, घन कोण। तो अगर हम घन कोण की बात करें तो घन कोण बेटा क्या होता है, घन कोण का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी सरफेस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी सरफेस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। बाय द वे अगर हम मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है, किसी भी कोई एक सरफेस एरिया है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया, इसका एरिया क्या डी, जिसका एरिया डीएस है, अब ये इसका सेंटर है और ये जो इस पर एंगल सबटेंड होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। अब अगर हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो बेटा ये जो इसका एरिया है, जो एरिया वेक्टर है, ये क्या कर रहा है, एरिया वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, एम आई राइट। हाँ बच्चे हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की, गॉस के नियम की, गॉस प्रमेय की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम गॉसेस लॉ की बात करें तो गॉसेस लॉ कहता क्या है, गॉस का नियम कहता क्या है, गॉस साहब ने क्या बताया, गॉस साहब ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स to the charge enclosed in it. बात क्लियर है, आइए देखते हैं। According to Gauss's law, the electric flux passing through an enclosed surface is 1/ε0 times to the charge enclosed in it. By the way, हम मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, जिसका एरिया S है, ठीक है, एक उसका एरिया क्या है, S है, और उसमें एक चार्ज Q है। तो अगर हम वैक्यूम की निर्वात या वायु की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, ई डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर किसी मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या हो जाएगा बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट, हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही, नोट करेंगे। आइए बच्चे देखते हैं, हम प्रूफ देखते हैं किसका, गॉसेस थ्योरम का, गॉसेस लॉ का। हमने मान लिया कोई एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया एस है, कोई आर्बिट्री सरफेस मान लिया जिसका सरफेस एरिया एस है, जिसका एक स्मॉल एलिमेंट हम मान लेते हैं जिसका एरिया डी एस है। मान लिया कोई एक स्मॉल एरिया है, स्मॉल एलिमेंट है डी एस, जिसका एरिया
एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसका एरिया ds है, ठीक है भाई। अब और ये सेंटर पर, ये सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो क्या है, डी ओमेगा है। क्या है? डी ओमेगा। ध्यान से देखना भाई। और कोई क्यू चार्ज, कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु पर, एक अंदर किसी बिंदु पर स्थित है, से केंद्र पर कोई एक पृष्ठ है, एक मैंने गाउसियन पृष्ठ मान लिया है, ठीक है भाई, एक गाउसियन पृष्ठ मान लिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है, एस है, इसको भाई गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। एक गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है, हमने कोई स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसका क्षेत्रफल डी एस है, केंद्र पर आवेश प्लस क्यू है। तो हम देखते हैं ध्यान से, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें O से P की ओर, तो क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2। ध्यान से देखेंगे, अगर हम O से P की ओर किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q/r2, सही है। फिर अब अगर हम फ्लक्स की बात करते हैं, हमने मान लिया कि जो ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो डी फाई है, क्या है, डी फाई है। तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस मीन्स ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई डी एस कॉस थीटा। एक काम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं, इसको हमने अगर इक्वेशन नंबर टू बोल दिया तो इक्वेशन नंबर वन से 1/4πε0Q/r2 का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ध्यान से देखेंगे, हमने इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, Q/4π0 1/r2। ध्यान से देखो, Q/4π0 ये हो गया और 1/r2, तो बोले तो डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अभी एक चीज हमने पीछे पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। डी ओमेगा क्या है यहाँ पे, डी ओमेगा बेटा है घनकोण, है ना, किसी बंद पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। आइए देखते हैं, अब ये जो डी फाई ई है, ये जो फ्लक्स है क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम डी ओमेगा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, Q/4πε0 डी ओमेगा, ठीक है बच्चे। अब अगर हम फाई की बात करें, मींस फाई हमने भाई हमने मान लिया यहां से पास होने वाला क्या है, डी फाई है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई होगा। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, फाई, और फाई इज इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ समाकलन, है ना, बंद समाकलन। तो बंद समाकलन की बात करें, क्लोज्ड इंटीग्रेशन की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तुरंत उठा के यहां से वैल्यू पुट कर देंगे भाई, डी फाई का जो वैल्यू था उठा के हमने यहां पे पुट कर दिया, क्या है, Q/4πε0 डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, यही तो ई डॉट डी एस का वैल्यू हम निकाल के लाए थे, देखेंगे। तो Q/4πε0 भाई बाहर हो गया, डी ओमेगा बचा, डी ओमेगा अंदर चला गया। और हमें पता है डी ओमेगा अगर हम किसी जो है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा एक सॉलिड एंगल की बात करें तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4π, मीन्स डी ओमेगा अगर इसको, इसका हम क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं, इसका बंद समाकलन करते हैं, तो क्या आता है, 4π आता है। तो इसके लिए अब क्या जाएगा, 4π हो गया, 4π कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, Q/ε0, फाई बराबर क्या आ गया, Q/ε0। और यही तो हमें लाना था, ध्यान से देखो, यही हमें लाना था, यही प्रूफ करना था हमको। और क्या हो गया भाई, E.ds is equal to Q/ε0, am I right, ध्यान से देखेंगे भाई, हाँ बेटा देखते हैं। अब ये क्या था, हमने एक कोई बिंदु माना था किसी पृष्ठ के अंदर, अब बाय द वे हम पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु की बात करें, हमने मान लिया पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, और हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है, ये जो पृष्ठ, ये जो बिंदु है, इसके लिए हम भाई गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दें, यहां से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा क्या होगा। तो भाई उसके लिए अगर हम बात करें, तो आओ देखते हैं भाई किसी बंद पृष्ठ के बाहर कितना होगा फ्लक्स, देखते हैं। बाय द वे हम यहां पर देख लें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। और एक चीज बस छोटी सी देखनी, यहां पे सब कुछ वही रहेगा, अगर हम डी ओमेगा की बात करेंगे,
अगर इस डी ओमेगा की बात करेंगे तो अगर बिंदु बाहर है तो किसी बंद पृष्ठ द्वारा या किसी भी पृष्ठ द्वारा बाहर बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है? हमेशा शून्य होता है, हमेशा जीरो होता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा बाहर स्थित, हाँ देखते हैं बच्चे, तो क्या हम क्या कह रहे थे कि भाई किसी बंद पृष्ठ द्वारा बाहर स्थित किसी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, देखते हैं। तो ये डी ओमेगा जो है, ये जो इसका घनकोण है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा बाहर किसी बिंदु पर शून्य होता है, जीरो होता है। तो बेटा अगर ये डी ओमेगा जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई, नोट करेंगे। हाँ बेटा, बेटा हमने गॉस थ्योरम पढ़ ली, गॉसेस लॉ पढ़ लिया, अब हम उसको कुछ यूज़ देखते हैं और देखते हैं उसका यूज़ क्या है। तो पहला यूज़ देखते हैं कि से बाय द वे कोई एक इन्फिनिटी वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से, उसके कारण हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर। तो हमने मान लिया कि एक कोई अनंत लंबाई का, हमने मान लिया कि अनंत लंबाई का कोई एक चालक तार है जिससे लंबवत दूरी पर, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट वायर एंड अ पॉइंट P इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम वायर एट विच वी हैव टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम मान लेते हैं एक कोई गॉसियन सरफेस, मान लिया। तो बेटा हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, क्या माना है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है जिसका बेटा, जिसका रेडियस बेटा आर है और उसकी हाइट क्या है, एल है। उसकी हाइट क्या है, एल है। और जल्दी से देखते हैं क्या होता है बेटा, हम अगर हम सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी बात है कि जो गॉस साहब थे, गॉस साहब ने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या, कोई गॉसियन पृष्ठ मानना होगा, कोई गॉसियन सरफेस मानना होगा, एक बंद पृष्ठ मानना होगा, एक क्लोज्ड सरफेस मानना होगा। तो अगर हम क्लोज्ड सरफेस की बात करें, किसी बंद पृष्ठ की बात करें, गॉसियन सरफेस की बात करें, तो हमने गॉसियन सरफेस यहां पे माना सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना है। और इस बेलनाकार पृष्ठ में एक चीज मैं बता देता हूं आपको, देखो एक ये कर्व, जैसे बाय द वे ये एक बेलन है, इसमें एक कर्वलिनियर पाथ है, देखो ये बेटा जो है ये कर्व है और ये बेटा दो ठो प्लेन है। तो जो ये जो प्लेन है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे, इस वजह से इनकी, इनसे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ निकालना क्या है, ये वाला फ्लक्स, ठीक, आओ निकल, जल्दी से निकालते हैं। तो हमने मान क्या लिया कि यहाँ पर कोई, इस पर कोई पॉइंट, ये जो वायर है, वायर पर कोई जो है चार्ज प्लस है, प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और ये पॉइंट पी है, ठीक है। और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं, क्या बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, मतलब जो एकांक लंबाई, इस तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, ठीक है, क्या है, लिम्डा है, ठीक। तो इसकी वजह से भाई मान लेते हैं क्या, फाई ई कर्व की वजह से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, बोले तो ई डी एस, और डी एस क्या है, सरफेस एरिया, कौन सा, कर्व वाला, क्या होता है, टू पाई आर एल, भाई सभी को पता है टू पाई आर एच होता है किसका, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का जो हमारा कर्व एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए, तो क्या होता है, टू पाई आर एल हो गया, 2πr(l). अगर प्लेन की बात करें, प्लेन सरफेस की वजह से हमने बताया भाई जीरो हो जाएगा। तो भाई टोटल इनका जो है, और जो टोटल निकालेंगे, टोटल क्या हो जाएगा, कर्व प्लस प्लेन, तो प्लेन की वजह से जीरो हो रहा है, तो टोटल क्या होगा, कर्व की वजह से ही होगा। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई इंटू टू पाई आर एल। और बेटा तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और गॉसेस लॉ लगा देंगे। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, या 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है चार्ज के, ठीक है ना। तो देखो जल्दी से इसको इसके इक्वल कर दिया, किसके, इसके, भाई देखो यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, ये ई टू पाई आर एल, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका
LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया, E into 2 pi RL is equal to Q by epsilon naught, 2 pi RL को उधर ट्रांसपोज कर दिया, उधर भेज दिया, तो भाई यहाँ पे क्या बचा, E बचा और 2 pi R, और Q by L बटा क्या होता है, Q by L हमने पढ़ा है, Q by L क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, हम मान चुके हैं। तो Q by L की जगह पर हमने क्या लिख दिया, लेमडा लिख दिया, तो क्या बचा, 2 pi R into epsilon naught, E बराबर क्या बचा, 2 pi R into epsilon naught। तो बेटा अगर आप इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इसकी, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 pi R into epsilon naught R कैप। R कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन दिखाता है। बेटा E जो है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, इसकी दूरी के। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तार से जब दूरी बढ़ती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, और अगर दूरी घटती जाएगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। देखेंगे भाई, नोट करेंगे बच्चे एक बार फिर से देखते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है गॉसस लॉ का, देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, हमने मान लिया ये एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है, अनंत विस्तार की एक सिंपल चादर है, ठीक है। इससे एक ओर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और दूसरी ओर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P डैश है, ठीक है बच्चे। इस P पर और P डैश पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका ये सरफेस है, जो P है, P का जो सरफेस एरिया है वो ds है, एक पॉइंट हमने मान लिया क्या है, इसका एलिमेंट मान लिया क्या है, ds है, ठीक भाई। और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, ये इसका डायरेक्शन है। और अब हम सीधे से बात करेंगे फ्लक्स की, कि भाई इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे तीन सरफेस बन रहे बच्चे, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, दो प्लेन सरफेस है और एक कर्वलीनियर सरफेस है, दो प्लेन सरफेस है और एक कर्वलीनियर सरफेस है। तो जो एक कर्वलीनियर सरफेस है, तो सबको पता है भाई कर्वलीनियर सरफेस जो होता है, कर्वलीनियर सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है, कर्वलीनियर सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना भाई, 2 पाई आर एच, बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिलहाल यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे हम एक चीज देखेंगे कि जो ये आपका सरफेस है, अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, तो इसका सरफेस एरिया ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम कर्व सरफेस की बात करेंगे, अगर कर्व सरफेस की बात करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो इसका जो ds, जो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ होगा और जो ds होगा, ds कहने का मतलब क्या है, ds और E, E और ds के बीच में जो एंगल होगा, E और ds के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्या होगा बेटा, E और ds के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चे। और जब बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो होना है। तो आओ देख लेते हैं पहले, तो हमने मान लिया P पर, पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पर बात करेंगे, E डॉट ds क्या हो जाएगा, E ds बोले तो ES, ये phi 1 हो गया। अब अगर phi 2 की बात करें, हमने P dash पर मान लिया है phi 2, तो phi 2 क्या हो जाएगा, ES भाई। सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ES हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी ES हो जाएगा। अगर phi 3 की बात करें, phi 3 बेटा कर्व वाले की बात करें, तो कर्व वाले क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, जो एंगल है ds और E के बीच में, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो 90 डिग्री है, इसलिए क्या होना है, जीरो होना है। और टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, phi 1 phi 2 प्लस phi 3, मींस तीनों का फ्लक्स ऐड करके टोटल फ्लक्स होगा। तो भाई एक तो जीरो होना है, ये क्या हो रहा है, ES प्लस ES, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ES, phi इज इक्वल टू 2 ES, ठीक है बच्चे, समझ में आ रही है। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हमने मान लिया गॉसस लॉ, अगर हम गॉसस लॉ की बात करें, तो बेटा गॉसस लॉ हमारा क्या था, गॉसस लॉ हमारा है phi इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या है बेटा,
phi is equal to q by epsilon naught. अब बेटा इन दोनों को हम भाई देखो इधर भी phi, ये भी phi, LHS equal RHS भी equal हो जाएगा, ठीक है भाई. तो 2ES is equal to q by epsilon naught, तो E is equal to q upon में 2S epsilon naught. और बेटा एक चीज देखेंगे जो q by S है, q by S होता है, q by S is equal to sigma, और इस sigma को कहते क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व. आवेश का पृष्ठ घनत्व कहने का मतलब क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, द चार्ज प्रेजेंट एट यूनिट एरिया. बातें समझ में आई, ध्यान से देखेंगे भाई. आइए बच्चे आगे बात करते हैं. हमने मान लिया कोई दो प्लेन वायर्स है, सॉरी प्लेन सीट्स है, ठीक है ना. ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है. हमने मान लिया इनके बीच में कोई पॉइंट P है, ठीक है. तो बच्चे हमें पता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होता है भाई, प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर और माइनस चार्ज की वजह से अंदर की ओर. मीन्स प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर. तो देखो भाई इवन, अगर हम इसकी वजह से इवन मान लें और इसकी वजह से E2 मान लें, तो E2 क्या हो जाएगा, प्लस की वजह से अगर हमने E2 माना है और माइनस की वजह से इवन माना है, तो क्या हो जाएगा, इवन इधर की ओर और E2 इधर की ओर. मतलब पॉइंट P पर क्या हो जाएंगे, इवन E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो बेटा अगर सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इवन प्लस E2 मीन्स क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बेटा अगर हम पॉइंट Q की बात करें, तो Q पर क्या हो जाएगा, जो हमारा E2 होगा, इसकी वजह से जो E2 था माइनस की वजह से, माइनस वाला जो E2 होगा, E2 तो इधर की तरफ रहेगा, बट जो इवन रहेगा, इवन बाहर की ओर हो जाएगा. इवन क्या हो जाएगा, बाहर की ओर. हमने देखा है कि जो भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से होती है, वो क्या होती है, दूर होती है, बाहर की ओर होती है. तो क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी. मीन्स E2 E1 क्या हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 मीन्स क्या हो जाएगा, जीरो. क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और यहां पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ऐसे ही बाय द वे, अगर ये प्लस प्लस चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर जो इनके बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या होगी, जीरो होगी. क्या होगी, जीरो होगी. और यहां पर क्या हो जाएगा, E1 और E2 क्या है, बहुत सेम डायरेक्शन में है भाई. इसकी वजह से अगर हम E1 मान लें, इसकी वजह से E2 मान लें, तो दोनों क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे. तो E1 प्लस E2 हो गया. तो क्या हो जाएगा भाई, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और बेटा ऐसे ही यहां भी हो जाएगा, E बराबर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एक चीज और देखेंगे, बाय द वे यहां पर पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज की जगह पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो बेटा नेगेटिव चार्ज की भी बात हम वैसे ही करेंगे, ठीक है भाई. अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज की बात भी हम वैसे ही करेंगे भाई. नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अंदर की ओर, ठीक है भाई. तो क्या हो जाएगा, बीच की जो है जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. बाहर क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बातें समझ में आ रही, देखेंगे.